नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। रिया मैम के क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सूरज की कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो शुरू करते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। चलो बच्चों, अब इस कविता को गाते हैं। सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जम कर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारे क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं, क्या दीवारे क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। अब इस कविता का अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है, वो सूरज से कहता है कि एक कटोरी भर कर गोरी धूप लेकर आए। बच्चों, गोरी धूप क्या होती है? धूप तो सुनहरी होती है, देखा होगा आपने। और क्या धूप को कटोरी में रखा जा सकता है? और एक कटोरी धूप का वो बच्चा करेगा क्या, है ना? तो ये एक कविता है जो सिर्फ काल्पनिक है, आप हम इसको समझते हैं। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। तो ये बच्चा सूरज से कहता है कि जरा सच सच बताइए कि ये जो कुहासा इतने दिनों से यहाँ जमकर बैठ गया है, क्या इतने दिन इसको किसी के घर में बैठना चाहिए? अब ये चला क्यों नहीं जाता, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। कुहासा मतलब होता है फॉग, यानी कि धुंध। आपने देखा होगा जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तो सब कुछ फॉगी हो जाता है, धुंध धुंध नज़र आती है, ऐसा लगता है आसमान के सारे बादल ज़मीन पर आ गए हैं और आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। वैसे तो बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन वो बाहर खेलने नहीं जा सकते, उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं जाने देते। बच्चा चाहता है कि अभी कुहासा चला जाए और वापस धूप आए, ताकि हम बाहर खेलने जा सकें। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। तो ये बच्चा कहता है कि कल जो बारिश हुई थी उसमें जो हमारे कपड़े भीगे थे वो अभी तक गीले हैं, क्योंकि धूप नहीं निकली है। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। अब धूप नहीं निकली है तो क्या होगा, जो दीवारों पर पानी गिरा था, दरवाजों पर पानी गिरा था, वो सब पानी दीवारों के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से सीलन आ गई है। और सीलन आने से क्या होता है बच्चों? सीलन आने से कपड़ों में, दीवारों में, घरों में बदबू हो जाती है, स्मेल हो जाती है, क्योंकि जब तक सूरज की किरणें नहीं आती है, सूरज की रोशनी नहीं फैलती है, तब तक ये सीलन, ये स्मेल जाती भी नहीं है।
तो ये बच्चा सूरज से कहता है कि अब बहाने छोड़ दो और अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।